टॉकीज जो मल्टीप्लेक्स हो गए, क्या आप जानते हैं? दोस्तों, आज हम मल्टीप्लेक्स में मूवी देखते हैं, लेकिन पहले थिएटर हुआ करते थे, जिन्हें हम पिक्चर टॉकीज या सिनेमा घर भी कहते थे। पहले के सिनेमा घर इतने आरामदायक और एयर कंडीशन नहीं होते थे, लेकिन उनमें फिल्में देखने का मज़ा कुछ और ही था। वो लंबी लंबी लाइन लगाकर टिकट लेना और पिक्चर देखना एक अलग ही अनुभव प्रदान करता था। तो चलिए, आपको भी मुंबई के कुछ ऐसे ही सिनेमा घरों से रूबरू करवाते हैं जो मुंबई के नामचीन सिनेमा घरों में शुमार होता है, जो आज या तो मल्टीप्लेक्स में कन्वर्ट हो चुके हैं या अपना अस्तित्व ही खो चुके हैं। ये है मुंबई का मराठा मंदिर। नाम से मंदिर है, लेकिन है ये सिनेमा घर ही। यहाँ पे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म कई सालों से चल रही है। ये है ग्रैंड रोड का रॉयल टॉकीज, एक पुरानी यादगार है ये भी। और ये है कालपा देवी का एडवर्ड टॉकीज। यहाँ पे आज भी पुरानी और नई फिल्में लगती रहती है। इसके पास ही है मेट्रो सिनेमा धोबी तलाव में, जो अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। तो सीएसटी स्टेशन के सामने का ये कैपिटल सिनेमा जो है, इसे हम कैसे बुला सकते हैं। इसने भी कई दौर देखे हैं, कई पुरानी फिल्में लगी है, कई नई फिल्में लगी है जो आज पुरानी हो चुकी हैं, और कई सिनेमा घर तो आज बंद हो चुके हैं, जैसे कि मुंबई का मिनर्वा टॉकीज, जहां 16 फिल्म लगभग 5 साल चली थी। एक रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने, रिकॉर्ड तोड़ दिया था 16 फिल्म ने 5 साल तक लगातार एक ही सिनेमा घर में चलने वाली फिल्म 16, और टॉकीज था मिनर्वा, जो आज अपना अस्तित्व खो चुका है। आज वो सारे पुराने टॉकीज, ड्रीमलैंड, नोवेल्टी, न्यू एक्सेलसियर, सब बदल गया है। या तो खो गए हैं समय की आंधी में, या अपने अस्तित्व के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अब वो सितारों की चमक कहीं खो सी गई है। अब तो बस मल्टीप्लेक्स रह गए हैं, और आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि जैसे ये मल्टीप्लेक्स भी और छोटे और छोटे और छोटे होते जा रहे हैं। और लोग बाग अब फिल्में देखना भी पसंद करते हैं तो सिर्फ मोबाइल पे। धीरे धीरे इन सिनेमा घरों का वजूद खोता जा रहा है।